और फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री कासगंज में रैली को कर रहे हैं संबोधित, सुनिए। फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा भैया, प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न, आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संपर्क संबंध रहा, मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जनता जनार्दन की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए, योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, जो बात आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है, इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट।
और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने, इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है, अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने वाली प्रवृत्ति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवार को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिंता करने वाली इस डबल इंजन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया। ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे, ये लंबा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। यह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी की सरकार में हो रहा है। इनको यह भी लगता था कि 100 साल का इतना बड़ा संकट आया है, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, यूपी में भुखमरी फैलेगी, उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने इनके राशन माफिया, मालूम है ना राशन माफिया, ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है। महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को
पिछले कई महीनों से मुफ्त राशन दे रही हैं और हमारा संकल्प रहा कि ऐसी बड़ी वैश्विक 100 साल की भयंकर बीमारी आई है, जीवन बचाना बड़े बड़े समृद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था, हमने जीवन भी बचाने के लिए जी जान से मेहनत की और हमने कोशिश की कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज गरीब माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है, घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से गरीब दलित पिछड़ों के लिए निकला राशन, राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है, राशन माफिया नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के घर पहुंच जाता है। डबल इंजन की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की है और उसके कारण यूपी का जो भी परिवार अगर दूसरे राज्य में गया है उसको अब वहां भी यहां के राशन कार्ड से उसको वहां भी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं बाहर रोजी रोटी के लिए गया है तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोदी करता है। भाइयों बहनों, साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं, ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए? इनके लिए ये काम ही नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को कभी मौका मत देना। साथियों, इस क्षेत्र के जिन गांवों को इन लोगों ने बेसहारा छोड़ दिया था उनको डबल इंजन की सरकार ने अच्छी सड़कें दी हैं, नदी पर अच्छे पुल दिए हैं। एटा में 11,000 करोड़ रुपए का बिजली प्रोजेक्ट लगा है। गन्ना, आलू, अमरूद, आम, केला जैसी अनेक फसलें उगाने वाला छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में हमारे ईमानदार प्रयासों में एक नई आशा का अनुभव कर रहा है, नया विश्वास पैदा हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का बजट कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए तय किया गया है। किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज में छोटे किसानों को संगठित कर उनको एक्सपोर्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने के लिए मदद दी जा रही है। हमारी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुपालकों को, मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, जिसके कारण उसके कम ब्याज से उसको बैंक से लोन मिल सकता है, वो अपना काम विस्तार कर सकता है।
बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े, बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे, उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश। भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी। उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हो, कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, इस छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा। ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाए, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है, उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें, ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशकों दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है, बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फरुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे लघु कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है। भाई, ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है। भाइयों, पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे,
दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहनों। ये बदले के मौके की तलाश में है, इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों, आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा। अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े ये स्थिति नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना है देश भर के लोगों को उत्तर प्रदेश आने का मन कर जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहा है। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट यूपी की तस्वीर बदल देगा। भाइयों और बहनों, खेती और छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में डबल इंजन की सरकार ने खेती और छोटे उद्योगों के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। हमने नई नई योजनाएं लाए, कोशिश की है। दुनिया भर में हाहाकार मचाने की वजह से भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई, कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है, इसकी चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने हजारों करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी 1,00,000 करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए, इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।